हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं मसल ब्लेस पीनट बटर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आज तक अपनी 5 या 6 ईयर के एक्सपीरियंस से मैंने अभी तक 3 पीनट बटर कंज्यूम किए हैं। फर्स्ट पिंटोला, देन सेकेंड एल्पिनो एंड देन मसल ब्लेस पीनट बटर। सो जो मैंने ट्राई किया है मैं उसी के एक्सपीरियंस पे आपको इसका रिव्यू दूंगा। अब मैंने और भी डिफरेंट पीनट बटर है, दिसानो का पीनट बटर है, माई फिटनेस का पीनट बटर है, माई प्रोटीन का पीनट बटर है, बट उसका मैं रिव्यू उसके कंपैरिजन में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने वो कंज्यूम नहीं किया है। सो कंपैरिजन होगा पिंटोला, एल्पिनो एंड मसल ब्लेस पीनट बटर। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो सबसे पहला जो चीज़ आती है डिफरेंस की, कंपैरिजन की, वो आती है प्राइस रेंज। सो अगर हम पिंटोला और एल्पिनो की बात करें, जो उसका 1 kg का वेरिएंट आता है, कोई भी टेक्सचर ले लीजिए आप, क्रीमी या क्रंची, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये का पड़ता है फॉर 1 kg। बट अगर हम मसल ब्लेस प्रोटीन की बात करें, पीनट बटर प्रोटीन की बात करें, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 380 रुपीज़ का मिलता है फॉर अ 750 ग्राम पीनट बटर वर्जन। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मसल ब्लेस का थोड़ा सा कॉस्टली है। मेरे को भी पहले यही लगा था कि मसल ब्लेस का थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि बाकी जो पिंटोला और एल्पिनो के पीनट बटर हैं वो आपको 400 रुपये में 1 kg दे रहे हैं, बट आपको मसल ब्लेस 380 रुपीज़ में 750 ग्राम दे रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है, व्हाट्स द रीज़न? सो अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, पीनट बटर की कंपोजिशन की बात करें, सो एल्पिनो और पिंटोला दोनों में जो रोस्टेड पीनट बटर है उसका यूज़ होता है, बट मसल ब्लेस में उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया है कि उन्होंने 80% पीनट्स को रोस्ट करके उसको उसमें इंक्लूड किया है और 20% वे प्रोटीन कंसनट्रेट को उन्होंने उसमें ऐड किया है। अब वे प्रोटीन कंसनट्रेट को ऐड करने से बेनिफिट क्या हुआ, जहां पिंटोला और एल्पिनो पीनट बटर आपको 1 serving में अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम प्रोटीन दे रहे थे, वहां पे आपको मसल ब्लेस 1 serving में आपको 15 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप ध्यान से मसल ब्लेस के लेबल पे देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने सर्विंग के सेक्शन में लिखा है 1 to 2 tablespoons और नीचे लिखा है 37 ग्राम प्रोटीन। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 tablespoon में 37 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूर समझना चाहिए आपको, क्योंकि 2 tablespoons में आपको 37 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, ना कि 1 tablespoon में। क्योंकि हम ज़रूर ऊपर देखते हैं तो हम सोचते हैं 1 में ही मिल जाएगा, बट ऐसी बात नहीं है। सो अगर हम उनके कंपैरिजन में देखें तो 5 to 6 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा है, और वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उन्होंने उसमें वे प्रोटीन को ऐड किया हुआ है। और अगर हम इसमें फैट कंटेंट की बात करें, सो एल्पिनो और पिंटोला का जो पीनट बटर है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 या 15 ग्राम तक फैट जो है वो प्रेजेंट है, बट जो मसल ब्लेस है उसमें 20 ग्राम फैट जो है पर 1 tablespoon जो है वो प्रेजेंट है। सो एट द एंड यही कंक्लूजन निकलता है, अगर आप गेनिंग के लिए पीनट बटर लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप गेनिंग पे हैं, आप कैलरी हाई कैलरीज ले रहे हो, देन आई विल रिकमेंड कि आप मसल बेस का पीनट बटर जो है वो कंज्यूम कीजिए। बट अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं, आप कटिंग में यूज़ कर रहे हैं, बल्किंग में नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप पिंटोला और एल्पिनो का पीनट बटर कंज्यूम कीजिए, क्योंकि उसके कंपैरिजन में उसमें लेस कैलरी जो है वो प्रेजेंट है। बाकी अगर हम टेक्सचर की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर होता है पिंटोला, कुछ भी आप कंज्यूम करेंगे, बट जो फ्लेवर होगा वो लिटिल बिट डिफरेंट होगा एल्पिनो और पिंटोला से, क्योंकि जो मसल ब्लेस है उसमें वे प्रोटीन को ऐड किया गया है। सो आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा पीनट बटर लेना चाहिए, कि मसल ब्लेस का, पिंटोला का या एल्पिनो का। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने मसल बेस्ड प्रोटीन का भी लिंक दिया है, आप उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा और ट्राई ज़रूर करना एक बार, देन मेरे को रिजल्ट्स बताना आपके, जब भी 1 month के बाद 2 month के बाद आपको फील होता है कि हाँ हमारी गेनिंग हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।